मारपीट के एक मुकदमे में जेल नहीं भेजने के एवज में दरोगा पर 35,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। रिश्वत के बाकी 15,000 रुपए को लेकर दरोगा और पीड़ित पक्ष के बीच कोतवाली के भीतर खूब हंगामा हुआ। इस मामले में एसएसपी ने सीओ को जांच सौंप कर रिपोर्ट मांगी है। दरोगा और कुछ लोगों के बीच कहासुनी की यह तस्वीरें बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली की हैं। दरअसल शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बड़ी मिल्क के जंगल में 21 जुलाई को दो पक्षों के बीच शराब पीने को लेकर कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस मामले में सुरेंद्र कुमार त्यागी ने 6 लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले की जांच दरोगा सुखपाल सिंह कर रहे थे। आरोप है कि दरोगा सुखपाल सिंह ने आरोपी पक्ष को जेल नहीं भेजने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी। रिश्वत की पहली किश्त 35,000 रुपए दरोगा ने वसूल भी ली। दरोगा बाकी 15,000 की डिमांड कर रहा था। आरोप है कि 15,000 रुपए मिलने में देरी होने पर दरोगा लगातार दबाव बना रहा था। इतना ही नहीं, दरोगा ने 3 युवकों को पकड़कर हवालात में डाल दिया और मारपीट भी की। इसी से खफा पीड़ित पक्ष ने शिकारपुर कोतवाली के भीतर ही हंगामा शुरू कर दिया। हमारा लड़ाई आपस में झगड़ा हुआ था और हमारे इनमें 3 बच्चे उठा लिए, बुलाए थे तो यहाँ फैसले के लिए, लेकिन वो पकड़ लिए, अंदर बंद कर दिए जी। उनके साथ फिर मारपीट करी जी और हमसे कुछ पैसे मांगे, 35,000 रुपए जी, तो हमने दे दिए और फिर भी हमारे नौकरी थी 151 में चालान हो जाए। तो क्या 151 में चालान हुआ? नहीं हुआ जी। जी फिर और पैसे मांग रहे थे जी, फिर हमने ना दिए तो उन पर माल लगाई। कौन मांग रहे थे? सुखपाल सिंह दरोगा जी। जी हाँ, तो यही है, अब उनका चालान करा तो उन पर माल लगाइए पहले। जिसके बाद वीडियो को सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में आप खुद देख सकते हैं कि दो युवक दरोगा पर रिश्वतखोरी के कितने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो 35,000 रुपए में गुंडा राज खत्म हो जाएगा। हमारे पास वीडियो है। वहीं जैसे ही घटनाक्रम एसएसपी के संज्ञान में आया, एसएसपी ने तत्काल दरोगा के खिलाफ जांच बैठा दी। देखिए, ये 21 तारीख को एक मुकदमा थाना शिकारपुर में दर्ज हुआ, बड़ी मिलक गांव का, जिसमें एक मंजूर नाम का व्यक्ति है जो अपने ही गांव के सुरेंद्र त्यागी के बाग की रखवाली करता था। वहां पर ये अभियुक्त दर जो नामित हैं, 6 अभियुक्त हैं जो इस मुकदमे में नामित हैं, ये बैठ के शराब पी रहे थे। जब रखवाली करने वाले मंजूर ने मना किया, इन्होंने वहाँ पर उसकी काफ़ी पिटाई की, वो भाग के अपने घर चला गया। तो ये अपराधी उसके घर गए, घर में घुस करके वहाँ उसके साथ मारपीट किया। उसके पिता का एक खोखा है, उसमें तोड़ फोड़ की। इस आधार पर इनके विरुद्ध 147, 504, 506, 427 का मुकदमा 21 तारीख में दर्ज किया गया। 22 को सुबह इन्हें गिरफ्तार किया गया, 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। प्रथम दृष्टया पुलिस ने जो भी कार्य किया है बिल्कुल उचित है और किया जाना चाहिए था। बाद में कतिपय सोशल मीडिया के लोगों ने उससे संपर्क किया रास्ते में थाने के पास और उसके मुंह से कुछ उगलवाया कि दरोगा जी पैसा मांग रहे थे, न देने पे जो है उसके द्वारा जेल भेजा जा रहा है। तो इस प्रकरण की जांच हमने जैसे ही वीडियो मुझे मिला है, मैंने सीओ क्राइम को सौंप दी है। जांच करके देखेंगे कि इसका क्या एंगल है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने जो कार्रवाई की है बिल्कुल न्यायोचित की है, विसंगत की है। अगर हमारी खबर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, तो कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 News। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।